दीनानगर के अच्छ तरमाई नहर के उत्ते सवेरे एक निजी बस वालों फेट मारन करके स्कूली लड़कियों ने भरया एक आटो नहर में जा डिगा। हादसे समय आटो में 7 स्कूली बच्चे सवार सन। हादसे बारे पता चलते ही मौके पर इकट्ठे हुए लोगों वालों नहर च डिगिया बच्चियों बाहर कढ़न का काम शुरू कर दिता। उत्थे ही चश्मदीद लोगों ने घटना बारे दसया है कि आटो सड़क के किनारे खड़ा सी जिसे स्कूली लड़कियां ते एक महिला सवार सी। पिछों एक तेज रफ्तार बस आई है ते अचानक ही पिछले पासे तो आटो नाल टकराई जिस तों बाद आटो सवारियां समेत ही नहर विच जा डिग्गिया। मौके ते मौजूद लोगों वालों आटो सवार लड़कियां ते महिला नूं नहर विचों बाहर कढ़िया गया जिन्हां नूं मामूली सट्टां आईयां दसियां जा रही हैं। फिलहाल लोगों ने बस नूं पुलिस दे हवाले कर दिता है। ड्राइवर फरार दसिया जा रहा है। राहुल शर्मा बस खड़ी टेम्पू खड़ा ही सवारियां कोई 6 कुड़ियां ही बच्चे ही एक लेडी सी। पिछो बस आई है काफी मतलब भड़ी सवारियां और कोई ब्रेक नहीं लगी जां कुछ कह नहीं सकते टेंपू की मारी टक्कर टेंपू सीधा गया नहर चे। बाकी बच्चे तो अं सारिया सवारियां कढ़ लिया उन्हें बैग मोबाइल वो बेच ही आए पता नहीं हूँ बिच टेंपू की खिच है या रुड़ गया सट पेट नहीं लगी नहीं सट एक लेडी एक जनानी ने लगी है सिर पर। अच्छा जी बाकी बच्चे के हाथ घर पजाते ही उन्होंने कह नहीं सकते सट लगी जाने कुछ लगी हो जगह है ये तमराई बोला था मुड़ा अपना अन्ने भी कटिया सवारियां मोबाइल ही बेचो भी बेच देखा मतलब एक पांच छह मुड़ा ने कटिया सवारियां समरी ब्रेक नहीं लगी टेम्पू मारी पिछो टेम्पू ने आके देख करने मतलब जेडिया ओवरलोड सवारियां बिठाते परमिट कोई नहीं मतलब गुरदासपुर तो सिमरनजीत सिंह दे नाल दीनानगर तो डॉक्टर रमेश सरंगल दी रिपोर्ट पंजाब टुडे।